तो देखें, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, लोगारिथम भी इसको कहते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? देखें, एक्सपोनेंट का मतलब वो होता है कि जब हम कोई भी लंबी तरंगी, बहुत लंबी वैल्यू को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। ठीक है ना, इतनी लंबी वैल्यू को हम एक सिंप्लीफाई कर दें, और सिंप्लीफाई करके हम एक ऐसी शॉर्ट फॉर्म बनाएं, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है ना। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने अलग से आपको करके बताऊंगा। ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल आपको मैं ये जो चीज़ें वो आपको करके बताता हूँ। देखें इसमें क्या लिखा है। एक वैल्यू आपके पास गिवन है 2341। ठीक है ना, ये आपके पास वैल्यू गिवन है। अब आपको ना इसका एक्सपोनेंट निकालना है। तो भाई एक्सपोनेंट कैसे निकालेंगे? देखें, आप इस तरह काउंट करेंगे। देखें, एक एक दो तीन। ठीक है, अब यहाँ आप जो है वो एक्सपोनेंट लगा के 10³ कर दें, क्योंकि हम तीन दफ़ा आगे गए, एक दो तीन दफ़ा आगे गए हम, इसलिए 3 कर देंगे पावर, और इसकी पावर जो होगी वो प्लस में होगी, याद रखें। देखें, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। अब यहाँ देखें, यहाँ भी कोई पॉइंट नहीं है, तो हम यहाँ भी जो है वो लेफ्ट की तरफ जाएंगे, एक दो, 4 × 2 पावर। ठीक है ना, दो दफ़ा हम गए, तो इसलिए हम जितनी दफ़ा जाएंगे उतनी दफ़ा हम पावर यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ पर पॉइंट है, और अब हम जो है वो इधर की तरफ जाएंगे, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो एक दो तीन, यहाँ हमने पॉइंट लगा के 2 लगा दिया, और एक्सपोनेंट -3 हो गया। यहाँ हमने माइनस इसलिए लिया क्योंकि हम मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ भी हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, एक। ठीक है ना, यहाँ हम सिर्फ एक ही लगा दें, काफ़ी है, इसको हम सिम्प्लीफाई कर देंगे। 5.23 एक्सपोनेंट -1 जो है वो इसका मतलब सिम्प्लीफाई हो रहा है, ये एक्सपोनेंट में वैल्यू बन रही है। अच्छा, एक ट्रिक देखें मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप वैल्यू में लेफ़्ट से राइट की तरफ आएंगे, ठीक है ना, तो वैल्यू आप जो है वो माइनस में लेंगे एक्सपोनेंट की। लेकिन अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, तो आप वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे, इतना आप याद रखें। ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ देखें, हम यहाँ पर राइट से लेफ़्ट की तरफ गए तो हमने पॉजिटिव में वैल्यू ली, यहाँ भी राइट से लेफ़्ट की तरफ गए हमने पॉजिटिव में वैल्यू ली, लेकिन यहाँ पर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ गए तो हमने यहाँ पर माइनस की वैल्यू ली। ठीक है ना, कोई भी आप कर सकते हैं सॉल्व इसमें, मतलब ये बेसिकली बताया गया है इन तमाम चीज़ों में, लॉगरिथम में। अब देखें, यहाँ वही इन लॉगरिथम द बेस इज यूजुअली 10। ठीक है, जो पावर होती है वो 10 होती है, एक्सपोनेंट हम 10 इसको कंसिडर करते हैं। जैसे कि यहाँ एन की वैल्यू दी हुई है एक्स ना, यहाँ पर एन की वैल्यू आपके पास 1000 दी हुई है, तो सिंपली यहाँ पर अगर हम बात करें राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, तो एक दो तीन, तीन दफ़ा, तो एक्सपोनेंट 3 की पावर यहाँ पर आ गई। तो ये सिंप्लीफाई यहाँ पर हो रहा है, ये इसमें बताया गया है। अच्छा, अब यहाँ देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, ये आप पेपर में पूछ जा सकती है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है। तो डेफिनेशन जो है करेक्टरिस्टिक की, वो है कि द लॉगरिथम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द इंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक एंड द डेसिमल फ्रैक्शन कॉल्ड मेंटिसा। देखें, डेसिमल फ्रैक्शन मीन्स पॉइंट। इन दोनों का मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, ये क्या मतलब बताया गया। देखें, एक वैल्यू है आपके पास, ठीक है, पॉइंट में। अब आप देखें करेक्टरिस्टिक क्या चीज़ होती है। करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले पहले जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 पॉइंट है, तो यहाँ पर 2 जो है वो करेक्टरिस्टिक आ गया, और मेंटिसा जो होता है वो पॉइंट की बाद वैल्यू वैल्यू को कहते हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट की बाद वाली वैल्यू आ गई यहाँ पर। यहाँ हमने 0 कंसिडर कर दिया, क्योंकि 0 हम नहीं लगा रहे, क्योंकि जो ये 0 है वो 2 है यहाँ पर, और 2 जो है वो करेक्टरिस्टिक को कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर ये बताया गया है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको ये समझा दिया। अब आप ये याद कर सकते हैं इंपॉर्टेंट लाइन, कि मेंटिसा की जो मेंटिसा ऑफ लॉगरिथम इज ऑलवेज पॉजिटिव, मेंटिसा जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव में होगा, और करेक्टरिस्टिक में भी आए तर पॉजिटिव और नेगेटिव। करेक्टरिस्टिक जाहिर सी बात है, या तो वो इस तरह आप देखें, या तो वो नेगेटिव में हो सकती है या वो पॉजिटिव में हो सकती है। ठीक है, दोनों जगह हो सकती है। ठीक है, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि यहाँ पर कभी कभी 10 की पावर
मतलब इस तरह वैल्यू दे दी जाती है इसके अंदर लॉगरिथम में। तो अब देखें आप आंसर किस तरह लगाएंगे, देखें यह -2 और -2 हो रहा है, तो आप सिंपली देखें माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो सिंपली आप -4 लगा देंगे, ठीक है। यह आंसर MCQs में पूछा जा सकता है। अब यहाँ देखें, यहाँ +4 है और -3 है, तो माइनस और प्लस माइनस होगा तो 4 में से 3 गया, 1 बचा, और प्लस का साइन आएगा क्योंकि वैल्यू उसकी बड़ी है। कुछ वैल्यू इस तरह भी दे दी जाती हैं, ठीक है ना। तो अब इसको सिंपली आसान करने का तरीका ये होता है कि आप ये जो 10^6 है ना, ये पॉजिटिव में, तो आप उसको ऊपर ले जाएं, तो जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -13 हो जाएगा और ये आपकी वैल्यू में आंसर आ गया। तो ये कुछ चंद चीज़ें थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी लॉगरिथम में, जो कि आज हमने ये जो है पूरा डिस्कस किया इसके अंदर। अब आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में और आ सकता है।